सुप्रभात। आज हम लोग सातवीं कक्षा की पाठ पुस्तक के पाठ 5 का हिंदी अनुवाद करेंगे। पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म लिया। रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चौ लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। इसमें दो हैं, इसी से आसित आस्ता। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनिया आसी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नो जोर आसित नासी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़ि बधाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्याप्यत। लेकिन डोंगरे ने रूढ़ि में जकड़ी हुई रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य छोड़कर, लियप प्रत्यय लगा हुआ है, परित्यज्य लियप छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतत् जोड़ अर्थम, इसके लिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की तारणा का भी सहन किया, समाज के टॉर्चर को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। काल क्रमेण समयानुसार रमाया षष्ठी एकवचन, रमा के पिता विपन्नः निर्धन, इसमें है सम उपसर्ग है, जन धातु कत प्रत्यय, संजातः हो गए। समयानुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगनी चौ दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, तत्जोर अनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण की। भ्रमण काल में सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण काल में वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चौ इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता सरस्वती इस उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्री नाम कृते वेदादिनाम शास्त्रानाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की।
शिक्षायै चतुर्थी एकवचन, शास्त्राणाम षष्ठी बहुवचन। वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। डेढ़ वर्ष बाद उसके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्जोर अनंतरम उसके बाद वह पुत्रिया मनोरम्या सह, सह के योग में तृतीया भक्ति होती है, पुत्री नदी के समान, मनोरमा लता के समान, पुत्रिया मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीनाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पण किया। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीनाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पण किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कहे उत्तम विचारहे। तृतीया बहुवचन। प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। धन्यवाद आपका।